बहुत प्यार से देखें और इन आँखों से आपको मतलब दूसरों को शांति पहुंचे और दूसरों को खुशी मिले, ऐसा नहीं कैसे दिखा दिया आँख। तो आज का सुविचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे ब्लॉग में ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारी मजा आने वाली है। हेलो YouTube फैमिली, और हम लोग का दो दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं आया, हमने कल से ना नई स्टार्टिंग करी है, हम लोग वॉक करना शुरू कर दिया है सुबह से हम लोगों ने, तो अभी हम लोग बाहर हैं और अभी बज रहे हैं 6:30, और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है सुबह सुबह उठ के वॉक करने में। मतलब सुबह एक बार उठो तो थोड़ा बुरा लगता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वॉक करने लगो। किधर से अब आप हल्की हल्की धूप भी आ गई, और हम लोग को वॉक करते हुए लगभग हो गया है 20-25 मिनट, ज़्यादा ही हो गया। तो हम लोग वॉक कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में लौटने वाले हैं वापस, दूध लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि मुझे चाय पीना है। बस तुम्हारा व्रत है? और मेरा व्रत भी है। लगता है तो जुड़वा बच्चे हम लोग घुमाते हैं एक साथ। हम लोग कितना चल चुके होंगे, हम लोग ना धीरे 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 जितने यहाँ पे घर बने हैं उनको देखते हुए जा रहे हैं कि कैसे बने हैं ये वो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। पूरा यही कर रहे हैं। तो चलिए वॉक करते हैं और फिर अभी आपसे घर में मिलते हैं, और हम लोग अपनी वॉक और सब करके बाहर से दूध वगैरह लेके रूम पे वापस आ गए। और देखिए इसका डिफरेंस आपको कुछ दिन बाद दिखेगा। हम लोग को लगभग वॉक करते हुए एक्सरसाइज करते हुए 1.5 घंटा हो गया, अब 7 बज गए हैं। 6:20 पे गए थे, अभी 7 बज रहे हैं और अभी 10-15 मिनट लगेगा। अभी साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर एक दो एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद फिर आराम करके फिर नहा के तैयार होंगे हम लोग, फिर आपको बताएंगे आज का सुविचार जो कि 2 दिन से हम लोगों ने नहीं बताया। 2 दिन 2-3 दिन हो गए कोई ब्लॉग ही नहीं आया हमारा, लास्ट इस्कॉन टेम्पल के अलावा उसके बाद कोई ब्लॉग ही नहीं आया हमारा। तो अभी जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और सुबह नहा के और मिलते हैं आपसे अपने सुविचार के साथ। ओके, हम लोग तैयार हो चुके हैं एकदम, ये देखिए, और आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम दोनों लोग घर जा रहे हैं प्रतापगढ़, वहाँ पे हम लोग क्या पूजा है महामृत्युंजय मंत्र, और मतलब बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो हम लोग जल्दी से रेडी हो गए, 9 बज गया है और निकलने का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से इनको बुलाते हैं और इनसे सुनते हैं आज का सुविचार, उसके बाद चलते हैं घर। घर नहीं, सॉरी, पहले बैंक जाएंगे उसके बाद घर जाएंगे। आपके सुविचार हैं तो हमारे ग्रीन ग्रीन तो तरह हम बताएंगे आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि ये आंखें प्रभु का विशेष उपहार हैं, इनके द्वारा दूसरों को प्रेम शांति व खुशी का दान करें। वाह, मतलब जो आँखें हैं इससे हर आदमी को कोशिश करें कि बहुत प्यार से देखें और इन आँखों से आपको मतलब दूसरों को शांति पहुँचे और दूसरों को खुशी मिले, ऐसा नहीं कैसे दिखा दिया आँख। तो आज का सुविचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे ब्लॉग में ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारी मज़ा आने वाली है। तो अभी हम लोग चलते हैं, निकलते हैं, बैंक जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए। अब
अब आपसे मिल रहे हैं जब बाहर थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। पहले बहुत अंधेरा हो गया है और हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं अभी 15-20 मिनट में श्रृंगार नगर। हम लोग दुबग्गा के आगे दुबग्गा। हाँ, मैंने पहले इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मतलब अभी भी हो रहा है पर पहले से थोड़ा आराम है, तो हम ऐसे दवाई खा के लेटे हुए थे और ये गाड़ी चला रहे थे। देखिए पागलपंती दे रहे हैं, वक्त ग्रीन टी शर्ट पहनेंगे तोता बन जाते हैं ये। तोता मिट्टू तोता मिट्टू मिट्टू हो जाते हैं। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। तो हम लोग अभी लोगों कुछ खाने का मन कर रहा है बहुत तेज, सोच रहे हैं कि क्या खाएं। सोचा था कि आप कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे पर मन कर रहा है बहुत। तो घर के अंदर रहो तो फिर मन नहीं करता उतना, घर के बाहर निकलो तब देख देख के मन करने लगता है। कुल मिला के मैडम को डोमिनोज में पिज्जा खाने का मन है, सीधे सीधे नहीं कह पा रही इसलिए मैंने बोल दिया। मैडम का नहीं खुद का मन है, कहीं रे 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 कहीं मैगडी दिख जाए तो बर्गर खा ले। मैगडी रास्ते में पड़ता ही नहीं है। हाँ तो कह तो रहे थे ना कि बर्गर खाने का मन कर रहा है, मैगडी मिल जाए तो हम बर्गर। मतलब मैं ऐसी चीज बता रहा जो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब मिल ही नहीं सकता। तो हमें भी पिज्जा नहीं खाना है। अरे अभी अभी जब मैंने पूछा कि वो आज पिज्जा खाओगी तो कह रही कि नहीं, अब कह रही फिर बाद में कि लगता है खाना ही पड़ेगा। नो टंकी बीटू बीटू। अभी तो हम लोग सिर्फ लखनऊ पहुंचे, अभी रायबरेली फिर उसके बाद ऊंचा है, फिर कहीं जाके एक डेढ़ एक घंटे बाद घर आएगा, मतलब कि रात हो जाएगी 10-11 तो बज ही जाएंगे। और फिर कल होगी मस्ती, ये तो इलाहाबाद चले जाएंगे, हम घर में रहेंगे क्योंकि परसों पूजा है, हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे पूजा होती कल है। मेरी बहना का पेपर है, अपनी सिस्टर को पेपर लाने जाएंगे सत्ता दीदी को, और फिर वहाँ से लोग जो भी मस्ती करके आएंगे। मस्ती करके तुम मिस करोगी ना? यस, हम मिस करेंगे, हम घर में रहेंगे सबके साथ, काम करवाएंगे, तैयारी करवाना पूजा की। हाँ, एक अच्छी बहू के तरीके से। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना? बहुत। Yeah. आज हमने मैचिंग नहीं पहना, एकदम डिफरेंट पहना, ग्रीन और ब्लू। ये एकदम डिफरेंट थोड़ी होता पगला। तुम्हारा ग्रीन है, मेरा ब्लू है। बुद्धू? बुद्धू? समझे बुद्धू? पगला गए हो? आय हाय पगला गई का? उनका टी मम्मी आ गई का? मम्मी आ गई का? तुम और खा गई का? तो हम लोग ऐसे ही अपने सफर में चलते रहेंगे और आप भी हमारे साथ ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए और मिलते रहिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारे लाइक्स करिए, हम लोग को ढेर सारा प्यार दीजिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए। हम लोग ये कौन से टोल पहुंच गए हैं? I don't know टोल।
हम लोग पहुंचे हैं बछरावा वाले टोल तो कुछ भी नहीं पता है माय ड्राइवर साहब पागल है। हाँ हम पागल हैं। ये हम लोग टोल फट से पार हो गए। बेचारे पूरे रास्ते कुछ खाने का ढूंढते हुए आ रहे हैं पर कुछ नहीं मिला, इसलिए कुछ बोल भी नहीं रहे, शांति से बस गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे लोगों की बस खराब हो गई लगता है। जिसको पैकेट ले गया हूँ मैं, कुछ तो खाओ ही। 5 रुपए वाला मिलेगा यहाँ पे? नहीं भाई, ये देखिए वहाँ ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं जाके चिप्स। बेचारे तब से परेशान है कि कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। जब लोग खाना नहीं होता है तब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आज तो ऐसा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 8 भी नहीं बजे हैं पूरे, तब भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए आ रहे हैं लहराते हुए खुश खुश। ओ, चाय पियोगी? चाय जैसा कहो। चाय मस्त लेते हैं, पीने भी चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कुछ और भी खरीद लेकर आ रहे हैं ये। रात का नशा अभी। वाओ क्या लाए हो? धन्यवाद। फाइनली अब टाइम आ गया है पेट पूजा का और हम लोग रुकने वाले हैं यहाँ के रेस्टोरेंट बटी में, जो कि हम लोग हैं ऊंचा हर के पास, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। उसके बाद घर जाने में 1 घंटा लगेगा, फिर घर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और खाते हैं कुछ टेस्टी टेस्टी से खाना। तो देखिए कितने सीरियस है खाने के लिए। ओ, मुझे भूख लगी है। बाहर तक आवाज जा रही, पागल चिल्ला रहे हो ऐसे। कहाँ तक? बाहर तक। बाहर तक क्यों जा रही है आवाज? ये कह रहे हैं पहले तुम उतरो फिर हम उतरेंगे। देखिए हम लोग अंदर बैठे हैं और हम लोग ने ऑर्डर भी कर दिया है मसाला डोसा। इससे तेज नहीं बोल सकते, आप पूरे रेस्टोरेंट को सुना रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। और या बोलो, बहुत तेज बोलो। तो दोस्तों हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? मसाला डोसा। बहुत मज़ा आ रही है, हम लोग यहाँ पे एकदम हवा के सामने बैठे हैं एकदम। आप लोगों को आवाज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी। अभी जल्दी से खा के हम लोग फिर निकलेंगे और फिर घर पहुँचने में लगेंगे 1 घंटे। जल्दी जल्दी से अपना डोसा खाते हैं और घर पहुँचते हैं। सब लोग हमारा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग आज लगभग 1 महीने बाद घर जा रहे हैं वापस। इंतजार नहीं है, तुरंत खाने लगे पर जल्द ना। खाना खाने की बेइज्जती होती है। ठीक है, तो हम भी चल रहे हैं अपना डोसा खा के। मजा आ गया ना डोसा खा के? चलो मजा आती है एंड में सॉस खाने में। हाँ, तब हम लोग निकलेंगे और पहुंचेंगे जल्दी से घर।
कैसा लगा आपको खाना खा के? बहुत ही बढ़िया, डोसा बहुत टेस्टी था। ऐसे क्या, मैंने कहा यार कहाँ मंदिर आ गई। देखो देखो, हाँ वो YouTube पे दिखाओ। तो देखिए बैक कैमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे की मंदिर है, मंदिर आ गई, जबकि बस खड़ी हुई है उसका मंदिर है। उत्तर प्रदेश परिवहन, मजा ही आ गई। बाय बाय बटी। तो ये हम लोग आ गए अपने प्रतापगढ़ की गलियों में। ये देखिए कितने खुश हैं अपने घर की गली में आके। बहुत मजा आया, और आज हम लोग बहुत दिन बाद बहुत टाइम से घर पहुंचे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। सब लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार सबका फ़ोन आ रहा है, और बस तो हम लोग के व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। हम लोग आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और बस बहुत सारा प्यार दीजिए।